पेंड्रा गुड़ेला इलाके में किसानों को नकदी में उर्वरक खाद मिलना बंद हो गया है, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी केंद्र बैंक बिलासपुर के आदेश के बाद किसानों का खाद नहीं मिल रही है, जिसमें किसानों का कहना है कि ये फसल का ऐसा समय है जब उन्हें उर्वरक की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मामले में बैंक प्रबंधन का कहना है कि नकद बिक्री से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो क्या लेने आए हुए यहाँ पर? खाद लेने, यूरिया की। फिर मिला नहीं मिला, क्या बोलते हैं लोग? बोल रहे हैं नकदी में नहीं दिया जाएगा, पट्टा लाओ। हाँ, तो हम पट्टा लेके नहीं आए सर, हर हमेशा तो एक दो बोरी लेके जाते थे यहाँ से। हाँ, नकदी में तो उसी उसमें आ गए हैं सर। अभी 6/8/2020 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक आदेश दिया गया है, जिसमें नकद खाद विक्रय न किया जाए करके आदेश दिया गया है, जिसके तहत किसानों को नगद वितरण बंद कर दिया गया है। तो क्या है, अपन किसानों को नगद में तो नहीं लेकिन उनको परमिट में उपलब्ध कराएंगे खाद, और हमारे पास पर्याप्त खाद है। अभी हमारे पास 401.74 मेट्रिक टन खाद है समितियों में, तो सभी किसान को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अच्छा। वो परमिट कटवाएं और खाद प्राप्त।